हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ पुनीत अग्रवाल। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर नंबर 1, डाटा स्टोरेज एंड मेमोरी पार्ट 1। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर द न्यू सेशन। एंड आई डिवाइडेड दिस चैप्टर इनटू सम पार्ट्स। सो टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू some of the topics from this chapter. Now the first topic is memory. The storage space in a computer is called memory. Students, computer ke andar jo storage space hota hai use memory kaha jata hai. The data and instructions that are entered into the computer using input devices are stored inside the memory. Data and instructions जिन्हें कंप्यूटर में एंटर करते हैं हम इनपुट डिवाइसेस का यूज करके, ये सभी मेमोरी के अंदर सेव हो जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। यहाँ पर मेमोरी के टू टाइप्स हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यू कैन सी इन द डायग्राम ऑन द स्क्रीन द स्टोरेज स्पेस इज अ कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। कंप्यूटर के अंदर जो स्टोरेज स्पेस होता है इसे मेमोरी कहा जाता है। दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। आप देखें, प्राइमरी मेमोरी के बारे में बताते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर मेन मेमोरी होती है। सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस दिस मेमोरी। सीपीयू इस मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर। और ये जो मेन मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी, ये कंप्यूटर में मदरबोर्ड पर फिक्स होती है। प्राइमरी मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। प्राइमरी मेमोरी को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम एंड रीड ओनली मेमोरी रोम। यहां देख सकते हैं आप रैम डायग्राम में एंड रोम इज ऑल्सो देयर। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम क्या होती है? रैम इज अ टेम्परेरी मेमोरी। रैम को टेम्परेरी मेमोरी कहा जाता है। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जब कंप्यूटर को स्विच ऑफ किया जाता है, टर्न्ड ऑफ कर दिया जाता है, तो जो इंफॉर्मेशन होती है इसमें, वो मेमोरी यहाँ से लॉस हो जाती है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉलेटाइल मेमोरी। और इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द यूजर एंड ऑल्सो द रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर टेम्परेरीली। तो जो यूजर के द्वारा दी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं, ये डाटा है, इसे ये टेम्परेरीली स्टोर करने का काम करती है। आइए बात करते हैं रीड ओनली मेमोरी के बारे में। इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज परमानेंट इन नेचर। रोम के अंदर जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वो परमानेंटली होती है। लाइक एज इट होल्ड्स द डाटा इवन इफ द सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ। यानी कि सिस्टम को अगर हम स्विच ऑफ भी कर दें तो उसके बाद भी ये डाटा इसमें होल्ड रहता है। इट होल्ड्स द स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर। और जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कंप्यूटर स्टार्ट करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उस डाटा को ये होल्ड करने का वर्क करती है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। इसे नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। सेकेंडरी मेमोरी, बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स आप सभी के सामने हैं स्क्रीन पर। दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर एंड इज नॉट डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। ये मेमोरी नेचर में परमानेंट होती है और ये सीपीयू से डायरेक्टली एक्सेस नहीं होती। इट अलाउज द यूजर टू स्टोर डाटा दैट मे बी इजीली रिट्राइव। इट इज चीपर एज कंपेयर टू प्राइमरी। और यूजर को अलाव करती है कि हम अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं और उसे इजीली रिट्राइव भी कर सकते हैं जब कभी जरूरत हो। और यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी की कंपैरिजन में चीपर भी होती है, यानी सस्ती होती है। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस आर आल्सो कॉल्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी मेमोरी डिवाइसेस को सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस भी कहा जाता है। दे आर कैटेगराइज इंटू थ्री टाइप्स और इन्हें
थ्री टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क एंड फ्लैश ड्राइव। यू कैन सी इन द डायग्राम, यहां पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी के थ्री टाइप्स हैं यहां पर, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और फ्लैश ड्राइव। मैग्नेटिक डिस्क का एग्जांपल है हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल सीडी, डीवीडी और ब्लूरे डिस्क, एंड फ्लैश ड्राइव के एग्जांपल्स हैं पेन ड्राइव एंड मेमोरी कार्ड। मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है, मैग्नेटिक डिस्क इसके बारे में देखते हैं। अ डिवाइस कवर्ड विद अ मैग्नेटिक कोटिंग इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक डिस्क। एक डिवाइस जो कि मैग्नेटिक कोटिंग से कवर्ड होती है उसे हम मैग्नेटिक डिस्क कहते हैं। यू कैन रिकॉर्ड एंड इरेज डाटा ऑन अ मैग्नेटिक डिस्क एनी नंबर ऑफ टाइम्स। आप चाहें तो डाटा यहाँ पर कितने भी बार, जितना मन चाहे उतनी बार आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं मैग्नेटिक डिस्क का यूज करके। हार्ड डिस्क, द हार्ड डिस्क कंसिस्ट ऑफ वन और मोर मैग्नेटिक डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक या एक से ज्यादा मैग्नेटिक डिस्क से बनी होती है। ईच डिस्क इन द पैक हैज टॉप एंड बॉटम सर्फेसिस ऑन विच डाटा इज रिकॉर्डेड यूजिंग मैग्नेटिक हेड। और यहाँ पर हर डिस्क के अंदर टॉप और बॉटम पर यहाँ पर जो उसके सर्फेसिस होते हैं इन पर यहाँ पर ये सभी सेट होता है जहाँ पर डाटा रिकॉर्ड होता है मैग्नेटिक हेड का यूज करके। इट इज परमानेंटली फिक्स्ड इन द सिस्टम यूनिट, और ये सिस्टम यूनिट में परमानेंटली फिक्स्ड होती है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द हार्ड डिस्क इज टू स्टोर प्रोग्राम फाइल्स एंड डाटा फाइल्स। स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल्स को स्टोर कराना। हार्ड डिस्क आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ साइजेस विद स्टोरेज कैपेसिटी एज हाई एज 5 TB, टेराबाइट और इवन मोर। स्टूडेंट्स, हार्ड डिस्क काफ़ी लार्ज साइजेस में अवेलेबल हैं, इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी हाई हैं, और 5 TB तक की आपको, यानी टेराबाइट तक की आपको यहाँ पर हार्ड डिस्क देखने को मिलती हैं। द CPU एक्सेसेस डाटा स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क मच फास्टर दैन इट कैन एक्सेस डाटा ऑन अ CD। स्टूडेंट्स, अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो CPU सबसे ज़्यादा जल्दी एक्सेस कर लेता है डाटा को जो हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, और जो CD में डाटा स्टोर होता है उसे एक्सेस करने में थोड़ा सा स्लो परफॉर्म करता है। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आर ऑल्सो अवेलेबल। आप चाहें तो एक तो होती हैं जो CPU के अंदर सेट होती हैं, जो सिस्टम के अंदर ही होती हैं, उन्हें बोलते हैं हम हार्ड डिस्क और इंटरनल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हैं, दे आर द हार्ड डिस्क दैट कैन बी कनेक्टेड टू एनी कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ अ USB पोर्ट। आप USB पोर्ट का यूज करके किसी भी कंप्यूटर से एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क के जो इमेजेस हैं आपके सामने हैं स्क्रीन पर। देखिए, हार्ड डिस्क जो CPU के अंदर होती है, फर्स्ट डायग्राम में आप देख रहे हैं, वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ इनबिल्ट होती है, और एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो ब्लू कलर से आपके सामने यहाँ पर शो हो रही है स्क्रीन पर, इसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा जाता है, जिसे USB पोर्ट के द्वारा हम किसी भी सिस्टम पर यूज कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिस्क, एन ऑप्टिकल डिस्क इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम दैट कैन बी यूज टू राइट एंड रीड यूजिंग अ लो पावर्ड लेजर बीम। ऑप्टिकल डिस्क क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज मीडियम होता है जिसे हम रीड और राइट पर्पज से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क CD, द CD ड्राइव रीड्स इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क। CD ड्राइव इंफॉर्मेशन को रीड करने का काम करता है, और जो कि कॉम्पैक्ट डिस्क पर, यानी CD पर स्टोर होता है डाटा। CD इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। CD आप सभी ने देखी होगी जैसे आप डायग्राम में यहाँ देख रहे हैं, और देखिए CPU में जो CD ड्राइव होती है वो कुछ इस तरह की होती है जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिल रहा है स्क्रीन पर। CD इज एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस, इट कैन होल्ड अप टू 700 MB ऑफ डाटा। CD के अंदर 700 MB डाटा तक आप रख सकते हैं। CD ड्राइव इज यूजुअली कनेक्टेड इनसाइड द CPU बॉक्स बट कैन ऑल्सो बी कनेक्टेड यूजिंग अ USB पोर्ट।
इसे यहाँ पर सीपीयू बॉक्स में कनेक्ट किया जा सकता है और सीडी ड्राइव को, और इस